हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं CSS के बारे में, स्टाइल शीट्स के बारे में, किस तरीके से आप अपने पेज को इंटरैक्टिव बना सकते हैं CSS को यूज करके। ये हमारा अभी तक डिस्कशन चल रहा है और उसी डिस्कशन में आज हम देखते हैं एक और CSS का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज पैडिंग। कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट पे पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं, पैडिंग एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैडिंग क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम बात करते हैं। तो अब देखिए एग्जैक्टली अगर हम पैडिंग के मीनिंग को समझें, तो सपोज करिए मेरे पास यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट है, सपोज मैं डेटा फ्लेयर की वेबसाइट से ब्लॉग से जाके कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये पाइथन ट्यूटोरियल है और यहाँ से मैंने कुछ डेफिनेशन ली है, सपोज दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कुछ डेफिनेशन ले ली और ये कंटेंट कुछ और हमने ले लिया, ओके। सी दिस इज नथिंग बट द कंटेंट जो मैं अपने पैडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, ओके। तो ये हमने सपोज दिस इज द कंटेंट। अब ये कंटेंट अगर मेरे पास है, ओके, दिस इज व्हाट द कंटेंट वी हैव, ओके। तो यदि मैं अभी इस कंटेंट को देखता हूँ, थोड़ा सा एक कंटेंट और ले लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग इजीली समझ पाए पैडिंग का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो अभी आप देखिए, अगर मैं अभी इस पेज को रन करता हूँ, तो इट्स अ सिंपल टेक्स्ट, ओके। मैंने सी दिस कोड इन ब्राउजर, मैं अगर इसको, अच्छा एक मिनट, हमने इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर फाइल, टेस्ट पैडिंग डॉट एच टी एम एल, ओके, एंड देन आई जस्ट कॉपी दिस कोड इन दिस फाइल, ओके। सो ये मैं अगर इसको रन करता हूँ, सी दिस वन, दिस इज द सिंपल वन लाइन टेक्स्ट जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो यदि मैं इसको मल्टीपल लाइन पे ले लेता हूँ, एंड सी दिस वन, ये कुछ सिंगल कोड्स हैं, इनको हम हटा देते हैं। तो ये मेरा कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, डोंट वरी। हमें तो एक कॉमन टेक्स्ट चाहिए जिससे, जिसको यूज करके हम पैडिंग के कॉन्सेप्ट को देख लें, राइट। तो यदि मैं अभी इसको रन करके देखता हूँ डिफॉल्ट ब्राउजर पे, तो इट्स लुक लाइक दिस। अब यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे एक बॉर्डर लेके आनी है ना, आई वांट अ बॉर्डर इन दिस टेक्स्ट, राइट। तो यदि मुझे इस पर बॉर्डर लेके आनी है, तो यहां पर हमने क्या किया, हियर वी आर गोइंग टू यूज अ स्टाइल, जहां पर हम अपना एक स्टाइल टैग क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक क्लास क्रिएट करते हैं, जहां पर मैंने क्लास का नाम रखा सपोज डिस्प्ले, ठीक है, स्टाइल, दिस इज माय स्टाइल टैग। और इस स्टाइल टैग में हमने हमारी एक क्लास क्रिएट की है, जो मैंने आपको बताया था, क्लास इज क्रिएट विद द डॉट, और इसका नाम मैंने रख दिया सपोज डिस्प्ले, ओके। और इस क्लास में सबसे पहले हम इस पे बॉर्डर लेके आते हैं, तो हमने लिख दिया बॉर्डर इक्वल टू सपोज बॉर्डर कॉलन, इट इज वन और टू पिक्सल्स, ये टू पिक्सल्स की हमने बॉर्डर ले ली, और ये बॉर्डर का हमने कलर ले लिया, ठीक है। तो हमने लिख दिया बॉर्डर टू पिक्सल्स के बाद, दिस इज बॉर्डर हाइफन कलर, और बॉर्डर कलर सपोज मैं ले लेता हूँ ब्लैक अभी, ठीक है, या ब्लैक ले लीजिए, रेड ले लीजिए, नथिंग, ये मैंने ले ली रेड, ठीक है। और ये आपने ले ली बॉर्डर की टाइप, कि आपको बॉर्डर किस टाइप के चाहिए, मतलब बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल हमने ले लिया सपोज डबल, ओके। और अब मैं इस पे अगर बॉर्डर इस यहां पर हम लेते हैं डिवीजन टैग, और यहां पर मैं अगर इस क्लास को अप्लाई करता हूं, क्लास डिस्प्ले, तो यहां पर आप देखिए, जब ये बॉर्डर मुझे दिखेगी, तो इस बॉर्डर के साथ साथ हमें यहां पे जो लुक एंड फील आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, इसी दिस वन, ये मेरे बॉर्डर के साथ लुक है इस टेक्स्ट का। लेकिन यहां पर आप समझिए, जब भी हम किसी टेक्स्ट पे बॉर्डर लेते हैं, तो उस टेक्स्ट की लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम से जो स्पेस होती है टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में, ठीक है, ये कहलाती है पैडिंग। जैसे अभी आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये बॉर्डर एकदम पास में आ रही है, यहां पर ये देखिए आप स्पेस है, तो लेफ्ट राइट टॉप या बॉटम से टेक्स्ट और बॉर्डर की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड अ पैडिंग, ये कहलाती है पैडिंग। तो यहां पर अगर आपको इस पैडिंग को अपने हिसाब से सेट करना है, जैसे आपने बॉर्डर लिए, तो यदि मान लो मैं इस पैडिंग को सेट करना चाहता हूं, कि मुझे लगता है कि बॉस मेरी जो पैडिंग है, इस पैडिंग को मुझे लेफ्ट से सेट करना है, राइट से सेट करना है, टॉप से सेट करना है, बॉटम से सेट करना है, राइट, तो हियर वी हैव एन ऑप्शन कॉल पैडिंग सपोज। तो आप देखिए, यदि मान लो मैं यहां पर पैडिंग वाले ऑप्शन में, देखिए हियर वी हैव एन ऑप्शन पैडिंग लेफ्ट टॉप बॉटम राइट। तो सपोज करो, अगर मैं भी बॉटम की बात करूं, मैंने बोल दिया पैडिंग बॉटम इक्वल टू 10 पिक्सल्स, ठीक है, मतलब जो आपने डिस्प्ले क्लास बनाई है, उस डिस्प्ले क्लास पे हमने बॉटम से पैडिंग सेट कर दी है 10 पिक्सल सपोज, राइट। तो यदि मैं अब इसको देखता हूं, लेट्स सी, अब मैं अगर इसको देखता हूं, तो अब देखिए ये बॉटम से मुझे थोड़ी सी स्पेस दिख रही है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा
देखो आई विल जस्ट क्लोज दिस नाउ, ठीक है, मैं अगर इसको सपोज कर देता हूँ 70 पिक्सल्स, राइट, तो आफ्टर 70 पिक्सल्स सी दिस वन, ये आपको स्पेस दिख रही है, सो दैट स्पेस इज बेसिकली कॉल्ड पैडिंग, ये कहलाती है पैडिंग कॉन्सेप्ट। तो यदि आपको लगता है कि आपको अपने पेज पे पैडिंग लेके आना है, ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले पैडिंग इन योर पेज, अगर आप अपने पेज पे पैडिंग लेके आ रहे हैं, तो ये पैडिंग लाने के हमारे पास चार अलग अलग तरीके हैं, इन फोर वेज वी कैन सेट पैडिंग इन दिस बॉर्डर, लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप। लेकिन याद है हमने एक शॉर्ट हैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक, तो यदि आप शॉर्ट हैंड को यूज कर रहे हैं, देखिए पहले मैं चारों पैडिंग आपको बताता हूं, तो देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड पैडिंग टॉप। मान लो अगर हमने टॉप से पैडिंग दे दी 10 पिक्सल्स, ठीक है, मैंने बोला टॉप से मुझे पैडिंग चाहिए 10 पिक्सल, देन हमने बोल दिया पैडिंग राइट, तो राइट से मान लो पैडिंग हमने ले ली इट इज 15 पिक्सल्स, ठीक है, एंड देन पैडिंग सपोज बॉटम, तो बॉटम से हमने पैडिंग ली है सपोज दिस इज 30 पिक्सल्स, ठीक, एंड देन लास्ट में हमने ले ली पैडिंग, हमारी हो गई है टॉप राइट बॉटम एंड देन वी विल टॉक अबाउट लेफ्ट, तो ये मैंने ले लिया पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट हमने ले ली सपोज 20 पिक्सल्स। तो ये चारों को अभी आपने देखा, मैंने बॉर्डर के साथ जब पैडिंग अप्लाई की, तो नाउ दिस पैडिंग विल चेंज योर टेक्स्ट समथिंग लाइक दिस। ये देखिए आप, टॉप से आपको स्पेस दिख रही है, राइट से आपको स्पेस दिख रही है, बॉटम से आपको स्पेस दिख रही है, लेफ्ट से आपको स्पेस दिख रही है, राइट, सो दिस इज द पैडिंग जहां पर हम अपने टेक्स्ट बॉर्डर के साथ में किस तरीके से आपको पैडिंग लेके आना है, एंड सी दिस वन। यहां पर अगर आप बॉर्डर की विड्थ सेट कर देते हैं, मान लो मैंने बॉर्डर विड्थ बोल दिया थिक, ठीक है, यदि मैंने बॉर्डर की विड्थ बोल दी थिक, तो इससे आपके बॉर्डर को चेंज आएगा, सी दिस वन, ये थिकनेस आ गई हमारी बॉर्डर की, ओके। तो ये तो हमने बॉर्डर स्टाइल किस तरीके से चेंज करना है, बॉर्डर वाले कॉन्सेप्ट में हमने किस तरीके से टेक्स्ट पे बॉर्डर लेके आना है, ये मैंने आपको एक फॉर्म पे भी बताया था कि हाउ टू सेट द बॉर्डर इन अ फॉर्म। तो यहां पर बात अभी बॉर्डर की नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं पैडिंग की। तो ये जो पैडिंग है, आपने देखा अभी हमने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सेट किया, तो इसको मैंने सीक्वेंस में क्यों नहीं लिया, रीजन इज दैट जब हम इसका शॉर्ट हैंड अप्लाई करेंगे, तो इसका शॉर्ट हैंड जो है ना वो क्लॉकवाइज चलता है, जैसे होता है ना क्लॉकवाइज, इसका टॉप से राइट देन बॉटम देन लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज इस तरीके से चलेगा, राइट। तो यदि मुझे इसका शॉर्ट हैंड सेट करना है, तो मैं इसका शॉर्ट हैंड सिंपली सेट कर सकता हूं पैडिंग, ठीक है, तो पैडिंग में आपने सबसे पहले जो 10 पिक्सल्स लिखा है, दिस 10 पिक्सल्स इज बेसिकली योर टॉप, देन 15 पिक्सल्स दैट इज बेसिकली योर राइट, एंड देन 30 पिक्सल्स, ठीक है, सॉरी दिस इज 30 पिक्सल्स, ठीक है, ये 30 पिक्सल्स हो जाएगा मेरा बॉटम, एंड देन लास्ट वन इज 20 पिक्सल जो कि मेरा हो जाएगा लेफ्ट। तो यदि आप चार अलग अलग स्टेटमेंट ना लिख के अगर मैं इसको एक सिंगल स्टेटमेंट में भी लिखता हूं, तो दिस इज हाउ वी कैन सेट शॉर्ट हैंड फॉर द पैडिंग। पैडिंग के लिए आपने जो शॉर्ट हैंड सेट किया है, अब ध्यान रखिए शॉर्ट हैंड किस तरीके से, क्लॉकवाइज टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट हैंड सेट हो गया। अब इस शॉर्ट हैंड को अगर मैं रन करता हूं, लेट्स सी, आई विल गेट द सेम इफेक्ट, ये देखिए आप। तो अब अगर आपको इसका टॉप सेट करना है, यू कैन जस्ट चेंज दिस वन, अगर आपको इसका राइट सेट करना है, मान लो मैंने राइट में कर दिया दिस इज 25, देन बॉटम से मैंने कर दिया सपोज इसको 70, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जैसे ही आपने इसके कुछ पैरामीटर चेंज किए, नाउ यू कैन सी दिस इफेक्ट, ये देखिए बॉटम से चेंज हुआ, राइट साइड से चेंज हुआ है। तो जब भी हम कोई टेक्स्ट लेते हैं, कोई बॉर्डर लेते हैं, और अगर हमें लगता है कि उस बॉर्डर पे हमें स्पेसेस को सेट करना है, तो यहां पर हम यूज करते हैं पैडिंग के कॉन्सेप्ट। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, और दो तरीके से मैंने आपको पैडिंग सेट करना बताया है। यू कैन सेट द पैडिंग, या तो आप चारों प्रॉपर्टी को अलग अलग सेट करें, ओके, और या फिर हम शॉर्ट हैंड को यूज कर सकते हैं पैडिंग को सेट करने के लिए, गॉट इट। तो दिस इज वॉट वी अप्लाई पैडिंग इन बॉर्डर्स, कि जब भी आप बॉर्डर ले रहे हैं एंड यू वांट टू सेट द स्पेस, सो दैट वी विल गो फॉर पैडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, सीएसएस पे आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, ठीक है, और बने रहना है अभी इस कोर्स में, क्योंकि अभी थोड़ा सा जहां बाकी है, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाकी है सीएसएस को लेके, जिनको लेके मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप प्रैक्टिकल करते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बने रहिए इस कोर्स में, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही सीएसएस के कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, और आप इसलिए भी इनको प्रैक्टिकल करते रहिए क्योंकि एट द एंड हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript, जो कि हमारा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। तो पूरा एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे,
लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और यही हमारी चल रही है अभी। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।